नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मुगल इस देश से चले गए, लेकिन वो अपने पीछे अपनी कुछ निशानियां छोड़ गए। इन निशानियों में उनके कुछ मानस संतानें हैं, कुछ वैचारिक भाई भी, जो वक्त वक्त पर इन आक्रांताओं का महिमामंडन करते रहते हैं। इनके अलावा भी एक शख्स है जो रहता हैदराबाद में है और ये दावा करता है कि वो मुगलों का आखिरी वंशज है। अपने आप को उसने प्रिंस की उपाधि दे रखी है। स्वयंभू प्रिंस तुसी को आप जानते ही। अयोध्या विवाद के दौरान इन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। बाबर का वंशज बताते हुए विवादित ढांचे पर अपना दावा ठोकते हुए इन्होंने उस विवादित ढांचे को राम मंदिर को देने की पेशकश भी कर दी थी और कहा था कि राम मंदिर अगर बनेगा तो पहली सोने की ईंट वही रखेंगे। आपको तकलीफ हुई है अगर मुगलों की तरफ से, बाबर की तरफ से, तो हम क्षमा, क्योंकि बाबर की गलती तो थी नहीं, मीर बाकी की थी। अब रहा सवाल कोर्ट का, टाइटल सूट की अगर बात कर रहे हैं आप, तो प्रॉपर्टी की, तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से एफिडेविट दे, हम हिंदू महासभा हो चाहे कोई भी, हमने मलकरा पाली को बोले कि भाई इसको हमारी तरफ से इसको मंदिर बनाया, सबसे पहले ईंट हम ही सोने की हम यहाँ रखेंगे आके। और ये राजनीति जो खेल खिलवाड़ खेला जा रहा है आज 25 सालों से, कभी ये कहते मंदिर बनेगी, कभी वो कहते मस्जिद बनेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं मुस्लिम कम्युनिटी से कहूँगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो बाद बाद में कूदता है अपने आप के, कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक एनजीओ है, उसकी एक पैसे की अहमियत नहीं है। ये बात अलग है कि अदालत का फैसला भी आ गया है, राम मंदिर का भूमि पूजन भी हो गया है, निर्माण भी शुरू हो चुका है, लेकिन न तो तुसी साहब नजर आ रहे हैं, न उनकी सोने की ईंट अब तक अयोध्या पहुंची। राम मंदिर पर फैसला आते ही तुसी साहब ऐसे 9-2-11 हो गए जैसे पुलिस आने पर चोर फुर्र हो जाता है। लेकिन तुसी साहब को मीडिया में आने का अब एक नया मौका मिल गया है, तो ये मुगलों का स्वयंभू वंशज अब सीएम योगी से सीधे भिड़ने को आतुर दिख रहा है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार के प्रोजेक्ट मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने का ऐलान कर दिया। तभी से कुछ लिबरल, मुगलों के वैचारिक भाई और उनकी मानस संतानें बिलबिला उठी है और सीएम योगी के इस फैसले पर ऐतराज जता रहे। इसी विवाद में स्वयंभू प्रिंस तुसी ने भी गोता लगा दिया है ताकि उनका चेहरा भी थोड़ा चमक जाए। प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा है कि अगर सरकार ने मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का फैसला कर लिया है तो हम खुद आगरा में 1,000 गज की जमीन पर मुगलों का म्यूजियम बनाएंगे। इस स्वयंभू प्रिंस की बात को आप बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये वही है जो अयोध्या के राम मंदिर में पहली सोने की ईंट लगवाने वाले थे। इनका बस चले तो ये नया ताजमहल भी बनवा दे, लाल किला बनवा दे, लेकिन क्या करे, सरकार इनको मंजूरी ही नहीं दे रही है। अब बात स्वयंभू प्रिंस तुसी की कर लेते हैं। तुसी ने फेसबुक पर भी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है और इसमें सीएम योगी को लानत मलानत भेजी है। हालांकि बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए इन्होंने पीएम मोदी की शान में कसीदे भी गड़े हैं। तुसी ने लिखा कि मुगलों पर योगी के फैसले से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगरा को लोग दुनिया भर में ताज की वजह से जानते हैं। उन्होंने लिखा कि ये फैसला बस आपसी सद्भाव को खत्म करने वाला है। इस फैसले से बस पीएम मोदी का नाम दुनिया भर में खराब हो रहा है। लोग जानते हैं कि ये फैसला सिर्फ 2 समुदायों में आपसी मतभेद फैलाना है। लोग यूएस में, यूके में, खाड़ी देशों में इसी की बात कर रहे हैं। आखिर इससे दूसरे देशों में क्या प्रभाव जा रहा है, ये सोचना चाहिए। वे आगे लिखते हैं, हमें शिवाजी महाराज के नाम पर आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका कनेक्शन आगरा से जब है नहीं तो उनका म्यूजियम क्यों बनाया जाए। ताजमहल से निकलकर पर्यटक मुगलों के बारे में जानना चाहेगा, न कि शिवाजी के बारे में। मैं पीएम मोदी को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा। मैं उन्हें चिट्ठी में बताऊंगा कि उनकी जो इमेज पूरी दुनिया में है वो ऐसे लोगों की वजह से खराब होती है। मैं बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि मैं पीएम मोदी को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने कामों से दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। क्या सिर्फ सीएम योगी के कहने से मुगल हीरो नहीं रह जाएंगे? मुगलों को हीरो बताने की जरूरत नहीं है, वे हीरो हैं और रहेंगे। शाहजहां हुए, अकबर हुए, उनके बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने सबके लिए क्या किया है। बहादुर शाह जफर की कुर्बानी के बारे में दुनिया जानती है। यूपी में गरीबी है, कोरोना है, लोग बेरोजगार है। सीएम को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि इतिहास को बदलने की कोशिश करें। तुसी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि दुनिया सब जानती है कि मुगलों ने क्या किया और वो कितने महान थे, या उनको महान बनाकर पेश किया गया है। उनकी बर्बरता की कहानियां भी सबने पढ़ी है।
कैसे उन्होंने हिंदू मंदिरों को खंडित किया, लूटपाट मचाई, धर्म परिवर्तन कराया, ये सब भी लोग जानते हैं। लेकिन इस बार प्रिंस तुसी सीधे सीएम योगी से भिड़कर महफिल लूटने के मूड में है। लेकिन उनको शायद पता नहीं कि योगी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। अब देखना होगा कि स्वयंभू प्रिंस तुसी आगरा में कहां और कब मुगल म्यूजियम बनाते हैं, हम भी इंतजार में। तो इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।